मेरे मित्र हैं अंकुर तिवारी जो एक म्यूजिशियन है, एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन, टैलेंटेड म्यूजिशियन है। तो उन्होंने जो है वो मेरे बैचमेट हैं IHM भोपाल के, तो वो मुझे जानते हैं मेरी एक्टिविटीज़ के बारे में, वो उनको पता था। तो वो चूंकि इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं तो उन्होंने दिया जी से बात की होगी, और उसने मेरे ख्याल में और भी लोगों से बात की होगी, लेकिन दिया जी ने तुरंत उसको जो है उसको समझ लिया, और उन्होंने जो भी इसके लिए एक अपनी तरफ से अपना समय देना और उसको एक इवेंट के रूप में ऑर्गेनाइज करना, ऐसे बहुत सी बहुत बड़ी बड़ी भीड़ मैंने एड्रेस की, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर्ड इवेंट के रूप में मीडिया के साथ में, ये इन्होंने उसको एक मतलब बहते हुए पानी को इन्होंने एक बांध देने का काम किया है। तो अब वो पानी किसी काम इस्तेमाल आ सकता है मुझे लगता है। तो वो चीज़ जो है वो दिया जी ने की, और अंकुर तिवारी के माध्यम से मैं इन्हें जानता हूँ। देखिए, हम चाहते हैं कि रुपेश राय जी जैसे लोग जो काम कर रहे हैं वो प्रचलित हो, दूर दूर तक लोग उनके बारे में जाने, उनके बारे उनके काम को समझे, उनके मकसद को कामयाब बनाने में हिस्सेदार हो। हम सब जानते हैं कि देश में लोग फिल्मी दुनिया से और क्रिकेट की दुनिया से, मतलब खेल की दुनिया से बहुत लगाव रखते हैं। तो जब हम इनके साथ, ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा और, मतलब आप आज यहाँ आए हैं क्योंकि हमने आपको आमंत्रित किया, शायद आप नहीं आते अगर आपको कहीं और से इनविटेशन मिलती। तो उम्मीद यही है कि और भी लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ऐसे लोगों के साथ जुड़े, पर्यावरण की सुरक्षा, प्रकृति की सुरक्षा के काम के लिए आज के दौर में आई थिंक ज़्यादा लोग आगे आ रहे हैं। देर आर मोर पीपल फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हु आर कमिंग फॉरवर्ड, बीच क्लीनअप्स के लिए, ट्री प्लांटेशंस के लिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली एम्पावरिंग ग्रासरूट्स हीरोज एंड डूइंग गुड वर्क। सो उम्मीद यही है कि ये जो हमारी संख्या है ऐसे लोगों की, ये बढ़ती जाए और भी लोग ऐसे ऐसे मुहिम से जुड़ते जाए। Sanctuary Asia is a magazine which has been in existence for 40 years, and we try to send the message of awareness for environment, and when we will be able to use such warriors of the climate warriors and environment warriors and spread the message, and we have a large number of readers, and also in our children's program we can spread this message. So such examples are very good for communication. Bittu ji, jo Bittu Sehgal hai, jo founder hai Sanctuary Asia ke aur Sanctuary Nature Foundation ke, wo mere mentor hai, mere hero hai. Jitna bhi main seekh chuki hu aur seekhti hu पर्यावरण की सुरक्षा, प्रकृति की सुरक्षा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में उनसे ही सीखती हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देयर यू नो फॉर द फैक्ट दैट दे डिसाइडेड टू सेलिब्रेट रुपेश राय टुडे एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड हेल्प अस ऑर्गेनाइज दिस एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन। जी यस, वेल द थीम ऑफ द G20 समिट इज अ पावरफुल वन, one earth, one people, one family, one future. This is exactly what Rupesh Rai ji stands for. This is exactly what he is talking about. Farq ye hai ki band kamron se bahar nikal ke dharti se judkar prakriti ke suraksha ke liye, logon ki suraksha ke liye, hamare collective future ke liye aise log kaam kar rahe hain. Thank you.